हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के कुछ मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक्सेल में थ्री टाइप्स के फॉर्मूला या फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? मैथमेटिकल, टेक्स्ट फंक्शनल और लॉजिकल फंक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मैक्स, मीन, एसक्यूआरटी, आईएनटी, मोड और राउंड। वन बाय वन हम फॉर्मूला को सीखेंगे। तो इसमें पहला फॉर्मूला है सम का। सम क्या करता है? सम आपका प्लस करने के लिए, यानी एडिशन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर है, यदि हमारे पास यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई नंबर, इसका आपको प्लस करना है, तो आप किन तरीक़ों से कर सकते हो? बहुत सारे इसके तरीके हैं, तो वन बाय वन सीखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक बॉक्स को शेल कहते हैं और दो या दो से अधिक बॉक्स को सेलेक्ट करना सेल रेंज कहलाता है। तो हम यहाँ एडिशन सीख रहे हैं, यानी सम का फॉर्मूला सीख रहे हैं। याद रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला का नाम लिखने से पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वल सम। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? प्लस फाइव और सेवन के करना है। याद रखिएगा, अभी हम सेल रेंज नहीं ले रहे हैं, अभी हम शेल ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने ये ले लिया, यानी शी टू। जब आप इस पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक इसका सेल एड्रेस ले लेगा। इसके बाद आप कॉमा लगाइए। अब इस नंबर को आपको लेना है, बस ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। देखिए, आपके पास आ गया है रिजल्ट, सेवन प्लस फाइव इक्वल टू ट्वेल्व। अब आपको पूरा करना है प्लस, तो आप क्या करोगे? इक्वल टू सम, और पूरे यानी सेल को सेलेक्ट करना सेल रेंज कहलाता है। इस तरह से आप सेलेक्ट कर लोगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंटर कर दीजिएगा। इस तरह से आपका जो भी एडिशन का आंसर होगा यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा तरीका है, आप यहाँ पे सम लिखने के बाद यहाँ पे आप खुद से नंबर लिख सकते हो, जितना भी आपको नंबर प्लस करना है। बस आप नंबर के बीच बीच में कॉमा लगाते जाइएगा। जब भी आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब यदि आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो, आप सेल एड्रेस लिखना चाहते हो, तो कैसे लिख सकते हो? मैंने सेल एड्रेस देखना बताया आपको कि सेल एड्रेस में सबसे पहले कॉलम नंबर होता है, इसके बाद रो नंबर होता है। तो यहाँ पे सम, यहाँ पे हमको प्लस करना है एट और फाइव को। तो एट का सेल एड्रेस क्या है? ऊपर से सी और इधर से फाइव। तो यहाँ हम लिख देते हैं सी फाइव कॉमा, यहाँ पे हमको क्या प्लस करना है? सिक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सी और यहाँ पे हो गया थ्री, यहाँ सी थ्री। बस देखिए, ऑटोमेटिक दोनों सेलेक्ट हो चुका है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए। यहाँ पे 14 आ गया है, ठीक है। सम का एक और फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं ऑटो सम, जो आपका या होम मेन्यू को यहाँ पे दिखता है, जिसका जो शॉर्टकट होता है वो अल्ट प्लस इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे आपको क्या प्रेस करना है? अल्ट इक्वल टू यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप प्रेस कर दो अल्ट प्लस इक्वल टू। तो यहाँ ऑटोमेटिक जितना भी ऊपर नंबर लिखा रहेगा, याद रखिएगा एवब में जो नंबर लिखा रहेगा उसी को वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है, उसका सेल रेंज सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद आपको इंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपका इसका एडिशन आंसर आ चुका है। तो ये हुआ सम। सम आप सेल एड्रेस बारी बारी से लेकर भी कर सकते हो, सेल रेंज द्वारा भी कर सकते हो, और ऑटो सम भी, जिसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस इक्वल टू। तो सम से क्या होता है? एडिशन होता है। अब आते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से क्या होता है? इनटू होता है, इनटू होता है, ठीक है। इनटू में मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए इसी में हम इनटू भी कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू प्रोडक्ट। जो भी सेल एड्रेस लेना है उस सेल पे क्लिक कर दीजिए, कॉमा लगा लगा कर इसको आपको सेलेक्ट करना है, और आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। 8 6 48 इंटर कीजिएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको आप सेल रेंज में भी कर सकते हो। यहाँ हम लिख देते हैं प्रोडक्ट और इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं इंटर। तो यहाँ आपका 210 आंसर आया है। कैसे आया है? ये क्या किया है? 5 6 30 एंड 37
210। तो इस तरह से आपका आंसर आया है 210। तो आप इसको सेल रेंज में भी कर सकते हो और सेल एड्रेस लेकर भी कर सकते हो। अब थर्ड आता है आपका मैक्सिमम। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। बस आपको सिंपली याद रखना है कि जो भी फॉर्मूला आएगा उसके पहले इक्वल का साइन लीजिएगा। आप चाहो तो नंबर को लिख भी सकते हो, चाहो तो सेल एड्रेस चूज भी कर सकते हो, चाहो तो सेल रेंज भी चूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम बारी बारी से फटाफट सारे फॉर्मूला को कवर कर लेंगे। मैक्स मीन्स होता है मैक्सिमम। जितने भी आपको नंबर दिए रहेंगे यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर को फिल्टर करना है, इसके लिए यूज़ होता है मैक्स का। मैक्स में हम यूज़ कर सकते हैं जैसे किसी कंपनी का प्रोडक्ट, आपको ये देखना है किस कंपनी का प्रोडक्ट आपका सबसे ज़्यादा है, किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, किसका टैक्स सबसे ज़्यादा लगा है, डिस्काउंट वगैरह। तो सबसे मैक्सिमम नंबर फिल्टर करने के लिए मैक्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली बस मैक्स लिखना है और जितने सैलरी में से आपको मैक्सिमम नंबर को फिल्टर करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 210। इंटर कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका 210 फिल्टर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं मैक्स और यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही सेल रेंज लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, 26। तो यहाँ इंटर कर देते हैं, यहाँ 26 आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद है यहाँ पे मीन। मीन मीन्स होता है मिनिमम। जो आपका सबसे कम वाली संख्या होगी उसको आपको फिल्टर करके देगा। तो यहाँ पे आपको लगाना है मीन और सेलेक्ट कर लेना आपको सेल रेंज को। तो यहाँ पे जितना भी आपका रहेगा, जो भी आपका सबसे कम वाली संख्या रहेगी वो फिल्टर हो जाएगा। यहाँ सबसे कम वाली संख्या 5 है, एंटर कर दीजिएगा, ये आपका 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है SQRT। ये क्या करता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज़ होता है। स्क्वायर रूट पता है आपको क्या होता है, जैसे यहाँ पे 49 है ना, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 7 7 49 होता है, तो ये 7 का स्क्वायर रूट है। अगर हमने यहाँ लिख दिया 25 तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 5 का स्क्वायर रूट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 64 तो ये किसका है, 8 8 64, तो ये आपका 8 का स्क्वायर रूट है। तो ये स्क्वायर रूट के लिए ये आपका फॉर्मूला यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट इक्वल टू SQRT एंड आपको वो सेल सेलेक्ट कर लेना। ये सेल रेंज पे वर्क नहीं करेगा, ये एक सेल एड्रेस पर वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 49 को चूज़ कर लिए और हमने कर दिया यहाँ पे इंटर। तो यहाँ पे देखिए आपका 7 आंसर आ चुका है। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ लगाते हैं SQRT और यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं 64 को और यहाँ इंटर करने के बाद आप देखो 8 आंसर आया, 8 8 64। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं INT। INT क्या करता है, जब अगर कोई संख्या से किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर दिखाता है। याद रखिएगा, यदि आंसर आता है आपका पॉइंट में यानी डेसिमल में तो डेसिमल के बाद की संख्या को ये शो नहीं करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने कर दिया यहाँ पे INT और हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 10 को 3 से, तो इसका आंसर एग्जैक्ट क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3.33। बट INT में मैंने बताया डेसिमल के बाद की संख्या शो नहीं होती है। तो यहाँ एंटर करिए, ओके ये क्या दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लगाना है ये अपॉन का साइन, एंटर कर दीजिएगा, देखिए आपका आंसर 3 आया है। यदि हम सिंपली यहाँ पे डिवाइड करें 10/3 को तो आंसर आपका क्या आएगा, 3.33 आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, डेसिमल जो भी आप डिवाइड करोगे उसका आंसर तो शो होता है बट डेसिमल के बाद की संख्या शो नहीं होती है। बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे हमने किया INT और यहाँ पे मैंने ले लिया 14/, यहाँ हम ले लेते हैं 8, तो 8 को नहीं लेते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं 14 14, यहाँ पे मैंने ले लिया 5, तो 5 2 10 होगा, उसके बाद 4 आपका बचेगा तो वो आपका डेसिमल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 आंसर आया है, जबकि यदि आप यहाँ पे डायरेक्ट करोगे 14/5 तो ये आपका आंसर 2.8 आ रहा है। तो ये क्या करता है, डेसिमल के बाद की संख्या को शो नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं मोड। मोड क्या करता है, रिमाइंडर, यानी किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, वो आपका शो करता है। जैसे यहाँ पे हम करते हैं मोड और यहाँ हम कर रहे हैं 20/ यहाँ पे 3, तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 3 6 8 18, 2 रिमाइंडर बचेगा। एंटर कर दीजिएगा,
तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। जो शेषफल रहेगा वो शो होगा। एक बार और करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मोड और यहाँ पे हम ले लेते हैं 49 को और यहाँ हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ 1 रिमाइंडर बचेगा, एंटर करिएगा, ये आपका रिमाइंडर 1 आ चुका है। एंड लास्ट इज राउंड। राउंड क्या करता है, डेसिमल के बाद की संख्या में आपको कितनी अंक रखने हैं ये आपका डिसाइड होता है राउंड द्वारा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक नंबर है 3.33333 टाइम यहाँ पे 3 लिखा गया है, तो यदि आपको डेसिमल के बाद सिर्फ 2 संख्या को रखनी है या 3 संख्या को रखनी है तो आप राउंड फिगर वहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम कर देते हैं राउंड और यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं कॉमा। आपको डेसिमल के बाद कितनी संख्या चाहिए उसको आपको लिखना है, तो हम यहाँ पे 2 संख्या तक इसको रखना चाहते हैं, एंटर कर दीजिएगा, ये आपका 3.33 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं राउंड और यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं 14 को, यहाँ अपॉन हम कर देते हैं 8 के टेबल में 14 तो आता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका डेसिमल में आएगा कॉमा। और कितने अंक तक चाहिए आपको दशमलव के बाद, यहाँ पे आप लिख दो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3। ठीक है, 3 लिख दिया, बस एंटर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आया है आपका 7.1.70, तो ये आपका आंसर ही उतना आया है। आप नॉर्मली भी करोगे तो इससे ज़्यादा बनेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा आया है। एक बार और हम कोई और नंबर लेकर देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल के साथ ही देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं राउंड और इसको हम कर लेते हैं चूज और कॉमा लिखने के बाद आपको करना है 3 नंबर तक आपको देखना है, बस एंटर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दो डेसिमल के बाद 3 नंबर आ गया। एक बार फटाफट हम रिपीट करेंगे। सम से क्या होता है, सम से आपका एडिशन होता है, यानी आप नंबर को प्लस कर सकते हो। इसके बाद एक यदि आपको ऑटो सम करना है तो उसका जो शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस होता है, जो अबव वाले नंबर रहेगी ऊपर वाली संख्या होगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैक प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट आपका यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणा के लिए, वो भी आप सेल रेंज लेकर भी कर सकते हो और सेल रेंज द्वारा भी कर सकते हो। मैक्स क्या करता है, किसी सेल रेंज का मैक्सिमम नंबर फिल्टर करने के लिए मैक्स का यूज़ किया जाता है, मिनिमम किसी सेल रेंज का मिनिमम नंबर फिल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है SQRT, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज़ होता है, जिससे पता चलता है वह किस नंबर का डबल है। INT क्या करता है, किसी भी नंबर का भागफल दिखाता है, बट उस भागफल में आपका जो डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो शो नहीं होता है। मोड क्या करता है, किसी भी नंबर का यदि आप किसी नंबर से उसको डिवाइड किए हो तो उसका जो रिमाइंडर होता है या शेषफल होता है वो शो कराता है। राउंड, किसी भी नंबर के डेसिमल के बाद आप कितनी संख्या को रखना चाहते हो, कितनी संख्या को देखना चाहते हो, ये आपका डिसाइड करता है राउंड। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।